लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सदन को तीन पूर्व संसद सदस्यों के निधन की जानकारी दी गई। पूर्व सांसदों में रामकृष्ण यादव, तापस पाल, कृष्णा बोस के निधन की जानकारी दी गई। रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। तापस पाल पश्चिम बंगाल से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे थे। वहीं कृष्ण बोस 3 बार 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे थे। दिवंगत नेताओं के सम्मान में लोकसभा में मौन भी रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे तीन पूर्व सदस्यों सौ श्री रामकृष्ण यादव जी, तापस पाल जी तथा श्रीमती कृष्णा बोस के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री रामकृष्ण यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री रामकृष्ण यादव का निधन 25 जनवरी 2020 को 82 वर्ष की आयु में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री तापस पाल जी पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं तथा 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री पाल एक सक्रिय सांसद थे, जिन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री तापस पाल एक विख्यात फिल्म अभिनेता थे, जिन्होंने बंगला, हिंदी और उड़िया भाषा में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें कई फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तापस पाल का निधन 18 जनवरी 2020 को 61 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती कृष्णा बोस पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। श्रीमती कृष्णा बोस ने विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। एक जानी मानी शिक्षाविद श्रीमती बोस ने लगभग 4 दशक तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया, अनेक पुस्तकें भी लिखी। श्रीमती कृष्णा बोस का निधन 22 जनवरी 2020 को 89 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुआ। अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन